हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमन एनालिसिस में। तो दोस्तों, जो आपका होने वाला था एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का पेपर 19 से 23 मार्च के बीच में, वो हो गया है पोस्टपोन। मेरे ख्याल से आपको अभी तक ये खबर पता चल गई होगी, और अगर नहीं पता चली है तो आप अच्छी तरीके से जो उनका ऑफिशियल साइट है airmanselection.in, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर लिखा गया है कि 86 सिटीज़ का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो चुका है। तो ये डाउट आ रहा है कि कौन कौन से स्टेट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, ये कैसे पता करें हम। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये जानना है कि कौन कौन से स्टेट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, तो पूरा एंड तक बने रहना, क्योंकि आपको मैं बताने वाला हूँ क्या नेवी का रिजल्ट भी कैंसिल हो जाएगा, क्या जो कोरोना वायरस है उसका इफेक्ट नेवी के रिजल्ट पर भी पड़ सकता है। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। सबसे पहले पढ़ते हैं कि लिखा क्या गया है साइट पर। थोड़ा धुंधला है ये, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें इन्होंने लिखा है कि मतलब जो ई परीक्षा प्लान थी 86 सिटीज़ में 19 से 23 मार्च के बीच में, वो ड्यू टू कोरोना वायरस गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की है और सेक्शन 144 लगा दिए बहुत सारे जगहों में, धारा 144, और जिसके कारण जो है पोस्टपोन कर चुके हैं बहुत सारे जगह। आपको पता है अपने इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर ये चीज़ बहुत हाई लेवल पे पहुँच चुकी है, जो मतलब वायरस है बहुत मतलब हाई लेवल पे पहुँच चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, 86 सिटीज़ जो हैं वो कवर करती हैं पूरे इंडिया को, यानी कि पूरे इंडिया की बात की गई है, केवल मतलब किसी स्टेट की बात नहीं गई है। 86 सिटीज़ में ये लोग एग्ज़ाम कराते हैं, तो मतलब सिटीज़ कोई भी हो सकता है, जैसे चंडीगढ़ भी एक सिटी है, ठीक है, और भी मतलब इस टाइप की एक सिटी होते हैं, तो हर जगह कंडक्ट कराती है। तो एग्ज़ाम आपका पूरा पूरा कैंसिल हो चुका है, ठीक है। ये नहीं है कि किसी का पहला होगा एग्ज़ाम, किसी का बाद में होगा, आपका पूरा एयरफोर्स का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, और वो होगा अप्रैल के लास्ट वीक में। तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम है पढ़ने के लिए, अगर आपने तैयारी नहीं की थी तो और अच्छा तैयारी करो। और नेवी का रिजल्ट मैं आपको बता दूं कि नेवी का रिजल्ट पे मेरे ख्याल से कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है जो 20 मार्च को रिजल्ट है वो 20 मार्च को आना ही चाहिए, क्योंकि इसमें कोई मतलब ऐसी कोई परेशानी नहीं हो सकती, ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा है रिजल्ट में, भले PFT लेट हो सकता है, या आपको मैं बता दूँ, और PFT अगर PFT मेरे ख्याल से ये लोग PFT का जो एडमिट कार्ड है वो शायद से डिले कर दे, लेकिन रिजल्ट मेरे ख्याल से बता देना चाहिए। कुछ कह नहीं सकते दोस्तों, मतलब आपको पता है ना कि अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक तो हर चीज़ मतलब सही चल रहा था, लेकिन अचानक से जैसे ही जो ये वायरस है जैसे ही बड़ा, वैसे मतलब ये स्टेप लेने पड़ते हैं। तो अब देखते हैं 20 तारीख को ही हमको पता चलेगा कि क्या क्या होगा, लेकिन पोस्टपोन तो मेरे ख्याल से रिजल्ट के लिए रिलेटेड कुछ होना नहीं चाहिए। रिजल्ट तो मेरे ख्याल से और भी एग्ज़ाम्स के डिक्लेयर हो ही रहे हैं, तो इसके भी हो जाएंगे, तो इसकी चिंता मत करना। बस ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चलता हूँ, जय हिंद, जय भारत।